एक चीज तो क्लियर महसूस कर सकती हूँ। दुरुग, बरसों से चली आ रही एक टेंशन है फिजा में। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो टूवल। आज से पहले मैंने अपनी दादी को इतना सीरियस कभी नहीं देखा। आखिर इन दोनों के दिलों में चल क्या रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा होगा? देख नहीं रही, साफ नजर आ रहा है नफरत करते हैं एक दूसरे से। दुरुग डार्लिंग, तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं चंदा, इश्क और नफरत के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है, थिन रेड लाइन, डोंट यू सी? मैं शर्त लगा सकती हूं कोई पुरानी लव स्टोरी निकल आई ना इनकी। नहीं यार, क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दादी और इश्क? मेरी जान, वो भी इंसान है आखिर, उन्हें भी जवानी में मोहब्बत हुई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद है, मुख्तसर लफ्जों में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, चंद बेबुनियाद खबरें छापने वाले मेरी फैमिली की इज्जत को दागदार करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि हशमत साहब और मेरे दादा दोस्त थे और उन्होंने बरसों पहले मिलकर इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। दूसरी बात यह कि किसी को शेयर देने का इस सारे मामले के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज मैं यहां पब्लिकली हशमत साहब से माजरत करता हूं, ठीक है? और यह मालूम करने के लिए कि यह मनगढ़ंत खबरें किसने चलवाई हैं, मैं एक इंटरनल इंक्वायरी करवा रहा हूं। हशमत साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ऐसा है कि यह माजरत मैंने कबूल कर ली है, मगर सिर्फ इतना काफी नहीं। यानी ये जो खातून हैं, बस ये हमसे माजरत कर ले, मसला हल हो जाएगा। तो अजमी खातून, मतलब अजमी साहिबा, जब तक आप माजी में मेरे साथ होने वाली ज्यादतियों पर जब तक माजरत नहीं करेंगी, बात खत्म नहीं होगी। क्या बकवास है ये, मजाक कर रहे हैं हशमत साहब, सीरियस होकर बात कीजिए। आज जितना सीरियस हूं जिंदगी में कभी नहीं हुआ। माजरत कर रहे हैं आप, या तो माजरत होगी या फिर क्या क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे बोलो। मुराद ने माजरत कर ली है, मेरी माजरत के लिए तुम इंतजार करते रहो। तो फिर जर्नलिस्ट भाइयों, जो आपको मसाला चाहिए था वो मिल गया। हशमत उज़ुन ना कभी झुका है और ना कभी झुके। डियर फ्रेंड्स, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी वाले आपको बाहर तक गाइड कर देंगे। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आ गई आप लोग, खैरियत है? क्या हुआ? असली यार, तुम खुद बात करोगे या मैं अपने तरीके से बात करूं? स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं, मैं बताती हूँ, क्योंकि बिला वजह घुमा फिरा कर बात लंबी करने की जरूरत नहीं, तो सीधी बात करते हैं। मुराद, हयात,
हम क्यों ना? Come on. यार, बस बहुत हो गया, पकाओ नहीं। देखो मैं किसी फजूल बात के मूड में नहीं हूँ, जो हुआ है साफ साफ बताओ। ओहो, परेशान ना हो, मसला तो कोई भी नहीं है, यानी कि खैरियत है, बस ऐसा है कि सुनो असली, हमें और भी बहुत काम है। हम चाहते हैं आज हम गेट टुगेदर हो जाए, क्या ख्याल है? वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। तुम सब हमारे घर डिनर पर आ जाओ। टूअल, ध्रुव, करीम, आज तुम लोग सारे इनवाइटेड हो हमारे घर पर, हम सब मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे। हाय, डन हो गई दावत, इनकार तो हो ही नहीं सकता मुझसे। अब आगे बताओ जल्दी, करना क्या है? अब ये सोचना है कि वो बॉम्ब कैसे फाड़ना है। तो सोचो फिर। दारिया खाने के लिए नहीं आ रही है क्या? जी नहीं, खाना उन्होंने रूम में मंगवाया है। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। बस वहीं रख कर चली जाओ। खाना मैं लेकर आई हूं बेटी। अरे ये तो कयामत की निशानी है, या फिर खाने में जहर होगा। नहीं, हम तो अच्छा ही सुलूक करेंगे तुमसे। याद रखना, आज जो कुछ तुमने किया उसके बावजूद भी। तो आज जो कुछ हुआ उसमें भी मेरा ही कसूर था? दारिया देखो, मैं तुम्हें आज आखिरी बार तंबीह कर रही हूँ, हयात की फैमिली को तुम सुकून से रहने दो। तमाम, बस कह चुकी बेटी, कभी तो सुन लिया करो बात, तुम्हारी हमदर्दी में ही कह रही हूँ। अच्छा सुन ली बात, और कुछ कहना है आपको? Love's an unlamar.